अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अर्तगाल ऑनलाइन सर्विस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि US एम्बेसी पाकिस्तान में आप लोग अपनी ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। आप लोग हमारा YouTube चैनल अर्तगाल ऑनलाइन सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अर्तगाल ऑनलाइन सर्विस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने US मिशन पाकिस्तान एम्बेसी में अपने जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आए चले स्क्रीन की जानिब चलते हैं। तो यहां स्क्रीन पर आ जाएं और यहां पे आप लोगों ने लिखना है US एम्बेसी जॉब इन इस्लामाबाद, ये आपने सर्च करना है। और इसका यहाँ पर जो पहला वेबसाइट है ये वाला, ये आपने करना है ओपन। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ आपके सामने मुकम्मल डिटेल ओपन हो जाएगी और US एम्बेसी का मुकम्मल इश्तहार आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने ये सारी वो चीज़ें, इसको अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी कर ले। यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंसमेंट हैं जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट लिखी हुई है कि एक जो है ना पहला जो पोस्ट है इसकी क्लोजिंग डेट जो है 10 नवंबर है, जो अभी 2022 का अभी स्टार्ट हुआ है ये मंथ। तकरीबन अप्लाई में 8-7 दिन रहते हैं, ठीक है। बाकी तकरीबन जितने भी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल, अभी मैं एक एक करके नहीं बता सकता। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, वाटर प्लांट ऑपरेटर हो गया, मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, और इसके बाद इंस्पेक्टर हो गया, मेल रूम हो गया, क्लर्क हो गया। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं, आप लोग इसको स्टडी करें। मैं आप अप्लाई करता हूँ कौन से पोस्ट के लिए, ट्रेड हेल्पर के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया है, लेकिन आप लोग अप्लाई किस तरह करेंगे अपने मोबाइल से, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसके क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन हैं, क्या ये परमानेंट है या नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये परमानेंट पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 1 लाख से वो आपकी तनख्वाह होगी, ठीक है। ये बिल्कुल रियल जॉब है, इसमें कोई फेक वगैरह नहीं है। यहाँ पर ड्यूटीज़ के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th जिसका पास हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज भी अच्छी हो, उर्दू इंग्लिश दोनों आती हो इसको। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई टू दिस वैकेंसी यहाँ पे लिखा है। अगर मैं आपको शो कर दूँ, देख यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाई टू दिस वैकेंसी, इस पर हम करेंगे क्लिक। थोड़ा सब्र करें, और यहाँ पर एक लॉगिन है ईरा, इस लॉगिन को अगर आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं तो ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हो जाए, वहाँ पे ईमेल पासवर्ड लगा दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो मेरे स्टेप्स किस तरह फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे मेरी जो अप्लाई की है मैंने पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे वो शो हो रही है ट्रेड हेल्पर के लिए। यहाँ पे लिखा है यू हैव आंसर्ड ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर दिस ट्रेड ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी की लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद है। आप अपने ई मेल को एप्लीकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएं, ठीक है। तो अभी मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, पेचीदा वेबसाइट है लेकिन आप लोग करेंगे इस पर ट्राई तो हो जाएगी आपकी अप्लाई आसानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल किसी और का लगाया था, इस वजह से यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं अपना ईमेल लगा के दे देता हूँ। ईमेल बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं कर सकता हूँ। ये मल डिटेल है, ये आप लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना होता है। यहाँ पे देखें मुकम्मल डिटेल लिखे हुए हैं, जो हमने इंटर किए थे ये मुकम्मल CV उनके पास पड़ी हुई है, आप नीचे देख सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत लेंथी है लेकिन अगर आप लोग ट्राई करें तो बहुत आसान बन जाती हैं। तो नीचे जाके आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई जो है वो हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं कंफर्मेशन का। तो यहाँ ये हो गया। ये स्टेप्स से मैं आपको बताऊँ, 7 स्टेप्स के ज़रिए आपने ये अप्लाई कन्फर्म करनी होती है। 7 स्टेप्स के लिए इसको अगर मैं डेस्कटॉप मोड पर लेके आऊँ तो आपको 7 स्टेप्स मिल जाएंगे, जो मैं सिंपली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी का, दूसरा है आपसे मांगेंगे एजुकेशन का, तीसरा है
सीरीज़ ग्रेट लोकेशन का, तीसरा है वैकेंसी क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का भी है, रिज्यूम इन्फॉर्मेशन का भी है और प्रेफरेंस का भी है, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट का है, और अगला है यहाँ अगर आपके पास है कन्फर्मेशन का। ये सब करने के बाद आपके पास आ जाता है सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन, और इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और नीचे आपको डाउनलोड अ कॉपी ऑफ दिस एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी अपने वैकेंसी की लोकेशन जो है देखिए यहाँ पे। तो अब आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, आप अगर मेट्रिक तालीम में आपकी थोड़ी सी एक्सपीरियंस है तो US एम्बेसी में आप एज अ वर्कर एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके के साथ, और कोई बैंक चलान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, अगर समझ नहीं आई वीडियो में अप्लाई करने का तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अर्थाना सर्विस के मोबाइल नंबर 0330 3521 135 पर भी रब्ता कर सकते हैं।